613 नए केस थे और उनको मिलाकर 1,31,219 टोटल इन्फेक्टेड लोग अभी तक हुए, 1,497 लोग रिकवर हुए और अभी जो एक्टिव केस हैं जो कि मतलब इन्फेक्टेड हैं वो 11,000 से कम हो गए हैं, 10,994। दिल्ली जो कि एक्टिव केस में 1.5 महीना पहले दूसरे नंबर पे थी अब 10वें नंबर पे आ चुकी है और हॉस्पिटल्स में 2,835 पेशेंट्स एडमिटेड हैं जो कि लगभग 18% टोटल बेड्स अवेलेबल उसका 18% बनता है। नहीं वो ठीक हो चुके हैं, सीरो सर्वे जो ठीक हो चुके तो वो अलग है, सीरो सर्वे का मतलब ये होता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, वो इन्फेक्ट हुए थे, इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुके हैं तो वो टेस्ट के अंदर नहीं आएंगे, टेस्ट में वही आएंगे जो प्रेजेंटली इन्फेक्टेड है। हाँ सर, जो अगर जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो ठीक हो गए तो उसी के दौरान ऐसे भी तो काफी लोग होंगे जो तब इन्फेक्टेड हुए हैं पर ठीक नहीं हुए, तो वो टेस्ट में क्यों पकड़ में नहीं आता? नहीं ठीक नहीं हुए तो देखो 14 दिन में 15 दिन में सब ठीक हो ही जाते हैं और इस एंटीबॉडीज बनने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं, तो एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में बने हैं तो इसका मतलब आप ठीक हो चुके हैं। देखिए साइंटिस्ट अलग अलग बातें कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि जब जिस रीजन में 40% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है, कुछ कह रहे हैं कि 60% या 60% से भी थोड़ा ज़्यादा होता हर्ड इम्यूनिटी बनती है, तो ये अभी डिस्कशन चल रहे हैं और उस पर बात सहमति नहीं है कि 60% पे होगा या 40% पे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। हाँ पर ये जरूर है कि ये इंडिकेशन है कि दिल्ली के अंदर जब पहला सर्वे हुआ था 23.24 था, नया सर्वे हम इसीलिए करा रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि 40% पहुँचा या कहाँ तक पहुँचा। नहीं इसमें तो अंदाजा कयास लगाना ठीक नहीं है, वो एक्चुअल में आएगा, जिसे साइंस एक्चुअल में आएगा तो बता देंगे।